ਜਾਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ ਆ ਗਈ ਏ? ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਜੀ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਵਲੌਗ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बट साहब किधर मोटरवे, फिर तो नहीं जा रहे कहीं नारायण ककान या नथिया गली? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, जल्दी क्या है, बता देता हूँ ना, अगले 12-15 मिनट यही हो ना। मजाक कर रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। हम लोग बेसिकली गए थे फैसलाबाद। हम कौन? मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है। मैं आपको दिखाई देता हूँ पहले। हेलो हेलो, मैं आपको इसलिए साथ लेके आया हूँ कि आप सोए रहो, मैं आपको साथ इसलिए लाया हूँ कि मोटरवे के ऊपर मुझे नींद आती है, तो चलो आप जरा इंटरटेन करते रहोगे। आप तो खुद सोए हो गए हो यार, आपके सामने ही था कल, मैं कितना बिजी था। हाँ जी भाई के घर कल आपको पता है मजलिस थी, दो दिन से जाग रहे थे। खैर फैसलाबाद गए थे हम, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था यार, कुछ माल धन दौलत कुछ इकट्ठी करनी पड़ती है ना, बड़े काम है। चोर तो लूट लाट के चले गए, अब पैसे जोड़ने पड़ेंगे। मैंने सोचा घर जाके जो व्लॉग स्टार्ट करना है, रस्ते से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फैसलाबाद वाला काम हो गया जी हमारा? हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया है, बताऊंगा आपको भी। अच्छा खैर, अब व्लॉग यहाँ से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया है भाई साहब। हम करने लगे हैं प्रैंक बाबा के साथ। अजान हो रही है, एक मिनट। अच्छा जी, अजान हो गई है। वैसे भी उस दिन मेट्रो में जब थे ना, तो अजान हो रही थी, कसम से मेरा ध्यान ही नहीं गया, वरना उस दिन भी मैंने चुप कर जाना था, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। अब बाबा के साथ प्रैंक जो होने लगा है यार, ये थंबनेल बड़ा काम खराब करता है, थंबनेल सारी क्यूरियोसिटी तोड़ देता है। पहले ही बाबा के साथ प्रैंक करने लगे हैं दूसरी बुड्ढी, दूसरी गर्लफ्रेंड, दूसरी औरत, कुछ भी कह लो। अम्मा को मैं कोशिश करूंगा कि अपने साइड पे पहले कर लूं, अगर मैंने अम्मा को अपने साइड पे ना किया तो अम्मा और बाबा दोनों के साथ प्रैंक करना एक ही टाइम पे मुश्किल हो जाएगा। अम्मा को अपनी तरफ कर लेंगे, जाके बाबा को हमने पकड़ लेना है। अब ऐस को फोन पकड़ा देंगे, यार ये क्या चक्कर है, मम्मा ने इतनी देर 30 साल 36 साल 37 साल आपके साथ गुजारे और आपने दूसरी बेगम कर ली, दूसरी औरत रखी हुई है साइड, आपने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, जाके देखते हैं क्या टीटो पाट के लगती हैं। पापा के रिएक्शन नोट करने वाले होंगे। चलें भाई जी, चलो घर पहुंचते हैं, जाके ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोई 25 से 30 मिनट में लाहौर पहुंच जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो भाई, चलो जी फाइनली वी आर होम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मम्मा जी, यार तरीका होता है यार, सुबह से गया मैं, अब आ रहा हूँ और आते ही चमाटा आपने, और वो साइड में मल भी नहीं सकता, मेरे हाथ में मोबाइल आ। तनु बड़ी हसी आ रही है, बड़ी तनु हसी आ रही है ना, बड़ी तनु हसी आ रही है। हाँ जी, हुआ है शुक्र अल्लाह का, हो गया काम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, सन्नाटा घर में। बट साहिब किधर है और अवैस किधर है? बट साहब झूलों पे लेके गए मिंसा साहबा को, ठीक है, और अवैस की वो ना सिम अम्मा के नाम पे थी, उसकी अम्मा के नाम पे, वो निकलवाने के लिए गया, वैसे ही चलाई जा रहा था। हाँ, अवैस के फोन में सिम नहीं थी और उसकी जो सिम है उसकी अम्मा के नाम पे है, अभी तक सिर्फ वाईफाई ही यूज कर रहा था, तो मेरा ख्याल है वो सिम निकलवाने गया होगा। सही है, नहीं भाई डेट्स नहीं है मेरे पास, यू नो आई एम बिग सेलिब्रिटी। हाँ जी, क्या नहीं है आपके पास? डेट्स नहीं है मेरे पास भाई। आप क्या है? बिग सेलिब्रिटी। ये आपको सेलिब्रिटी लफ्ज़ सिखाया किसने? तू सिखाया? और ड्रामेबाजी ना करो, अभी फैसलाबाद से आया हूँ, 6 बज रहे हैं, मैंने अभी जिम जाना है, व्लॉग करना है, आपके साथ के बगैर ये व्लॉग नहीं हो सकता। नहीं, मैंने कहा ना नहीं है ना मेरे पास डेट्स, क्या करूँ? अच्छा मुझे बताएं, पेमेंट का इशू है, आपकी पेमेंट बढ़ा देते हैं, पहले आपकी जो पेमेंट है ना उससे हम आपको आज 100 रुपए ज्यादा देंगे। ये पकड़े, ये आपने किसी को दिखाना नहीं है वरना आपको नैब पड़ जानी है, ठीक है? तो और क्या, 500 रुपए नेट कैश दे रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको? मैं आपको दूं 500 रुपए नेट कैश, आप करो एक्टिंग सारी जाके। मैं तो फ्री में करता हूँ मम्मा जी, आप तो मुझे देते भी कुछ नहीं हो। यार मेरी बात सुन लो, बड़ा मजे का प्रैंक है यार, आपके साथ के बगैर नहीं हो सकता। हैदर को पता है, हैदर को पता है,
हैं? करना क्या, करना ये है कि हमने बाबा के ऊपर प्रैंक करना है। अब अवैस तो नहीं है तो अवैस की जगह पे हैदर हमारा कैमरा यूज कर लेगा, कहीं ना कहीं कैमरा छुपा लेगा। बाबा के साथ प्रैंक करना है कि बाबा की दूसरी कोई बुड्ढी है, बाबा की कोई गर्लफ्रेंड है, बाबा ने कोई बाहर औरत रखी हुई है, ठीक है। आपकी जरा एक्टिंग चाहिए, मैंने तो ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाना है कि बुड्ढे वाले मैंने अपने माँ प्यो की लड़ाई देखनी पै रही है। सेपरेशन, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, सेपरेशन लिखनी पै रही है। आपने रोना पिटना थोड़ा, आ तुसी कहिंदे ना की करता अफजल साहब, मैनू ते मनन च नहीं आ रही गल, तुसी मेरे नाल बेवफाई कर सकदे हो, मैं तुहानू जिंदगी दे 36 साल दे दित्ते, समझ लो बात को, ठीक है, डन है, कर लोगे? चलो अब दो पहले काम कर लो फिर पेमेंट दूंगा। बड़ी आकड़ है मम्मा, ठीक है, मांगना ना मेरे से, सीन के बाद ही ना मांगना, पक्की बात है ना, वापस ले लिए भाई, डन है। नहीं वो तो मैं मांगूंगी पैसे, दे दे चावल क्यों बनना है। ये लो अब बस पापा के आने का वेट है, हैदर को मोबाइल देके कहीं ना कहीं छुपा देते हैं क्योंकि अवैस साहब घर गए हैं तो वो आराम से करेंगे। A few moments later. आवे सरदार। नहीं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मजाक वाली बात नहीं, करंट करूंट नहीं लगा, बस छोड़ दो। क्या छोड़ दो, बताओ तो सही कुछ है। भी देखो मैच देखो, आप जो कर दिया ना आपने, क्या कर दिया मैं, 7,00,000 हो गया जो कर दिया, क्या कर दिया बताओ। 36-37 साल सोलन ने आपके साथ बुला रहे। अच्छा 36-37 साल। अच्छा आपको एक बार ख्याल नहीं आया यार, इस उम्र में आ गई मेरा काम, क्या है ये मेरा क्या काम बताओ ना, ये कौन है, अब मैं क्या नाम हूँ उनका, क्या नाम है बता दो आप, क्या नाम है मुझे क्या कौन है वो, कौन है जिम में आई है एक आंटी। अच्छा ठीक है, मुझे फोन आया जिम से बच्चे का, तो भाई वो ऐसे रो रही है, उसके हाथ में छोटा बच्चा है, वो कह रही है कि ये झूठ बोल रही है, वो बच्चे की कसम झूठ खाएगी, एड्डा का बच्चा है, और रोंदी भी आगे कि जी आपके पापा का ही ये बच्चा है, और जब आपके पापा कुवैत में थे तब से उनका मेरे साथ ये सारा है, अगर आपका ऐसा कुछ था तो मम्मा से क्यों शादी की आपने। मजाक वाली बात नहीं है, ना ही अवैस घर में है ना कोई और है, जो मैं आपके साथ कोई वीडियो बना के प्रैंक कर रहा हूँ, थोड़ा सा खुदा का खौफ आपको आना चाहिए था, वो मुझे हर चीज दिखा रही है, आपकी जवानी की तस्वीर है उसके साथ। मजाक समझ रहे, कोई जवाब ही नहीं आगे से दे रहे, उस बेचारे का जुलम हुआ, 36-37 साल घटना लगाए ने, और मैं बड़ी खुश थी कि बड़े सिंसियर है, बड़े अच्छे हैं, बड़ा कह ये नहीं माना जाना, सिर्फ तू तो ये खो के दे रही है भाई। अल्लाहु अकबर। अच्छा यार ताड़ी मर्जी है, तुझे इल्जाम लाने में लाई जो, और मैं निकाल लंबा ले आगे से निकाल लंबा दे रहा, मैं किस तरह पूछ सकता हूँ उससे कि कहाँ पर निकाल लंबा, मेरे से कोई 30 साल बड़ी वो औरत है, इतने इतने से दो बच्चे पकड़े हुए थे मुझे, तो आपने माशाल्लाह से 7 साल की बात की है, मुझे आपके 2 बच्चे हो गए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो खर्चा पानी आए वो मुझे दिया करे, अब ना खर्चा पानी कोई पैसा घर नहीं है, मैंने आपसे जब पूछा है सुबह टाइम पापा जी को फीस आई है कोई फीस, पापा जी हंसो ना, मजाक वाली बात नहीं है, हंसी आनी है उनको, तो हंसी आनी है, आप एक काम करो आप अपना सामान पैक करो, बिल्कुल सही, मैं तो नहीं ऐसे, मेरी बात सुनो, किधर जा रहा हूँ, हंसने वाली बात है, मुझे बताओ ना हंसने वाली क्या बात है, यानो वाली कौन सी बात है, तो वो माँ के साथ कौन जाएगा जिसको, तो वो जो की हुई है जिसके 2 बच्चे हैं उसके साथ कौन रहेगा, यार पापा जी हंस के ना दिखाओ, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, मुझे याद रह लेने तो क्या मेरे पापा हो, मम्मा के साथ जाती की आपने, क्या जाती करती है अभी इस उम्र में, देखो इतने सारे बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं है, मुझे ये बताओ आप, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्यों आप उसको, अच्छा चलो ठीक है कर लिया ना, हंसो ना यार ठीक है, अब वो ऊपर से कच्चे ना बनो, जो काम पकड़ा गया खैर है कोई बात नहीं, एक काम आपने कर लिया ना ठीक है, अब उसको खर्चा क्यों नहीं दे रहे, उसको मिल क्यों नहीं रहे, क्या सारा साफ था, आपने मुझे पैसे पिछले 2 साल से सुबह टाइम जिम में 1 रुपया नहीं दिया, क्या ला पुत्रा फीस आई, अच्छा यार मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया, यही रोना तेरे मम्मा का भी, मुझे कुछ नहीं दिया, तो सही कह रही है, 7 साल बाद पहला बच्चा दिया और आपने क्या दिया उनको, 7 साल बच्चा दिया, अल्लाह ने दिया तो आया ना, उधर आपके 2 हो गए हैं बूढ़े वाले, दो हो गए हैं, क्या वो आपका नाम बता रहे थे बच्चे, हमारे पापा का नाम ऑफिशियल है, नाम ऑफिशियल है, झूठे नाम तराशी कर लिया है, मुझे वो लग भी लाहौर की नहीं थी, जैसी उसकी लैंग्वेज थी ना मुझे किसी गाँव की नहीं लग रही थी, यही की लग रही थी मुझे, बस करो सवेर का घर भर के आदत है, फिर के नहीं मैं आया, जहाँ बता के गया था ना वही गया था, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता, बताते कुछ और करते कुछ,
ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਹ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿਓ ਖਾਣਾ ਦੇ ਮੁਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਬਲੀ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਮੈਨੇ ਲੈ ਲੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੇ ਸਾਥ 36 37 ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਲੋਇਲ ਰਹੇਗਾ ਉਸਕੋ ਇਹ ਸਿਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਥਾਈਆਂ 39 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਕੁਛ ਬੋਲੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਲੂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਮਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮਮਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਗਦਰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਯਾਰ ਮਮਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜਿੰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਟ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਦਿਖਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਮਮਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਉਨਕੋ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੋ ਯਾਰ ਉਨਕੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ ਮੁਝੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਪੇ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਉਨਕੇ ਚੁੰਗਲ ਮੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਵਰਨਾ ਨਾ ਉਨਕੇ ਬੇਟੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਫਸਿਆ ਨਾ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਕੋ ਫਸਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਲਾਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਆ ਜਾ ਆਪ ਕੇ ਉਪਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਾਥ ਰਲ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਜੀ ਵੀ ਸਾਥ ਰਲ ਗਿਆ ਅਵੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਹਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਵਲੌਗ ਕਰਤਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਐਂਡ ਅਬ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਮ ਮੈਨੇ ਸੋਚਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗ ਚਿਹਰੋਂ ਪੇ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਤੇਰਾ ਤੋ ਗੇਮ ਬਜਾਨਾ ਪੜੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੋ ਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਏ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਔਰ ਕੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੋਸਤੋਂ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਏ ਵਲੌਗ ਕੇ ਸਾਥ ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼